तो आप लोग देख सकते हैं ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, उनके पिताजी का नाम से ये बोर्ड बनाया गया है, और बागी मोहम्मद, उसके बाद से यहाँ पे प्लॉट नंबर 90 लिखा गया है, मोहम्मद खान एस पठान लिखा गया है, जो कि यूसुफ पठान और इरफान पठान सर का पिताजी का नाम है, फादर का नाम है महमूद एस पठान। तो आप लोग देख सकते हैं, और ये वाला बड़ा सा बंगलो है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। 27 अक्टूबर 1984 को गुजरात के एक छोटे से इलाके बड़ोड़ा में जन्मे महज 19 साल के उम्र में भारतीय टीम के लिए ये लोग बहुत बड़ा योगदान किए, और भारतीय टीम के लिए बहुत ही अच्छा पारी, बेहतरीन पारी खेले, जो कि एक मैच हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, उनमें ये लगातार यानी हैट्रिक विकेट लिए थे, और इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूसुफ पठान और इरफान पठान, जो कि भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा योगदान दिए और भारतीय टीम में बहुत ही बेहतरीन पारी खेला है। तो उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताऊंगा, और डायरेक्ट मैं चलूंगा उनके घर पे, जो कि उनका जहां पैतृक गांव है, पैतृक घर है, वहां पे हम चलेंगे और उनका घर दिखाएंगे, और वहां का कुछ आप लोगों को सीन दिखाएंगे, और वो लोग कैसे रहते हैं और कहां रहते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को वीडियो को लास्ट में बता दूँगा। तो चलिए चलते हैं उनके घर पर डायरेक्ट, और देखते हैं उनका आलीशान सा जो बंगलो है, घर है, वो कैसा है। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं उस इलाके में जहां पे यूसुफ पठान और इरफान पठान का बड़ा सा बंगला है, बड़ा सा घर है। तो चलिए, यहां के जो स्थानीय लोग हैं यहां से कुछ हम जानते हैं, तो चलिए चलते हैं, कुछ स्थानीय लोगों से हम बातें करते हैं, बातें करके फिर आप लोगों को मैं उनका घर दिखाऊँगा। तो आइए हम स्थानीय लोगों से कुछ यहाँ का इन्फॉर्मेशन जानते हैं, और फिर आप लोगों को मैं आगे के प्रोसेस बताऊँगा। आपका नाम क्या पड़ेगा? हमारा नाम अयूब भाई है। अयूब भाई, आपका नाम? अमर भाई, पेंटर। अमर भाई पेंटर। अच्छा, आप लोग सामने से कितना बार देखे हैं? बहुत सी बार करीबी है, इसलिए यूसुफ भाई को भी देखा है, इरफान भाई को भी देखा है, उनके पापा भी नमाज़ पढ़ने के लिए आते हैं साथ में। हाँ हाँ, तो मतलब आप लोग साथ में नमाज वमाज पढ़े? बिल्कुल। और उनके बारे में आप लोग कुछ जानकारी बता सकते हैं? बस अच्छे खिलाड़ी है, अच्छे लोग हैं, दिल के भी अच्छे हैं, और किसी को मदद चाहिए वो मदद भी देते हैं, गरीब इंसान को। हाँ, अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, इस सामने एक रोड है, तो जब भी उनको आना होता है अपने घर में, अपने बंगला में, तो यही रोड से आते हैं, और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, जो कि गाड़ी द्वारा आते हैं। तो यहाँ पे मतलब पैदल जाते हैं कभी घूमने के लिए इधर? नहीं नहीं नहीं, निकलते वो कार से ही जाते। और कहाँ कहाँ रहते हैं? बस मुझे मेरी जानकारी है वहाँ तक तो बड़ोड़ा और बॉम्बे। बॉम्बे, तो बड़ोड़ा और बॉम्बे इन लोगों का घर है, जो इनका पैतृक गांव है, पैतृक घर है, वो बड़ोड़ा में ही है, जहाँ हम लोग खड़े हैं। अभी मैं आप लोग को चल के दिखाऊंगा उनके घर। और उनके पिताजी का नाम आप बता सकते हैं? महमूद खान पठान। महमूद खान पठान। तो थैंक यू इसके लिए, आप जानकारी दिए हमको अच्छा से। तो चलिए चलते हैं हम डायरेक्ट उनके बंगलो देखने के लिए, कैसा बंगलो है उनका। आप लोग देख सकते हैं ये वाला बंगला, यही वाला बंगला है यूसुफ पठान और इरफान पठान का। तो अभी हम चलते हैं, ठीक बंगला के सामने मैं खड़ा हूँ, अभी चलते हैं गेट पे, देखते हैं कौन कौन है। आलीशान सा बिल्डिंग है ये, आप लोग देख सकते हैं, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, इरफान पठान और यूसुफ पठान। एक बात बता दूं आप लोगों को, जब मैंने यहाँ के स्थानीय लोगों से बात किया, तो उनके पिताजी का नाम भी मैंने पूछा था, तो बताए थे वो नाम, देखते हैं कि वो नाम है कि नहीं। तो आप लोग देख सकते हैं बड़ा सा बंगलो, ये वाला बंगलो है इरफान पठान और यूसुफ पठान सर का।
तो फाइनली अभी मैं ठीक बंगले के गेट पे खड़ा हूँ। ये वाला गेट है, ये वाला गेट है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है बियर ऑफ डॉग, कुतराती सावधान, यानी ये गुजराती लैंग्वेज में लिखा गया है, कुत्तों से सावधान, बीवेयर ऑफ डॉग। यहाँ पे कुत्ते हैं अंदर, तो उसके लिए वो चेतावनी दिए गए हैं। और आप लोग ये नाम पढ़ सकते हैं 786, ये आप लोग नाम पढ़ सकते हैं महमूद खान एस पठान, जो कि इरफान पठान और यीशु पठान सर का हमें फादर का नाम है, जो कि मैं कुछ स्थानीय लोगों से बात किया था तो यही नाम बताए थे। और यही बंगलो है, ये वाला है घर, ये वाला बंगलो आप लोग देख सकते हैं, ये वाला बंगलो है। यहाँ पे भी एक गेट है, यहाँ पे भी गेट है, और एक उधर मैंने गया था, उधर भी एक गेट था। यहाँ पे भी लिखा गया है बीवेयर ऑफ डॉग, कुत्ता से सावधान, यानी कुत्तों से सावधान। यहाँ पे कुत्ते अंदर पाले हुए हैं सिक्योरिटी के लिए। और ये अलीशान सा बिल्डिंग है उनका, आप लोग देख सकते हैं। कितना बड़ा आलीशान सा ये बिल्डिंग है, बंगला है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। इसी घर के अंदर में यीशु पठान और इरफान पठान सर रहते हैं, और उनका पूरा फैमिली यहाँ पे ही रहता है। पूरा फैमिली इनका इस घर में ही रहता है। अभी यहाँ पे गेट बंद है, अभी खुला नहीं है गेट। ये वाला बोर्ड लगा हुआ है, उनके पिताजी का नाम से ये बोर्ड बनाया गया है, और बागी मोहम्मद, उसके बाद से यहाँ पे प्लॉट नंबर 90 लिखा गया है, मोहम्मद खान एस पठान लिखा गया है, जो कि यीशु पठान और इरफान पठान सर का पिताजी का नाम है, फादर का नाम है महमूद एस पठान, तो आप लोग देख सकते हैं। और ये वाला बड़ा सा बंगलो है, आप लोग बड़ा सा बंगलो आप लोग देख सकते हैं, आलीशान बिल्डिंग है। और यहीं पे वो लोग यीशु पठान और इरफान पठान यहीं पे रहते हैं, और उनका पूरा फैमिली यहीं पे रहते हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने पूछा कि यहाँ पे वो लोग हैं कि नहीं, तो यहाँ का जो सिक्योरिटी है वो बताया कि अभी ये लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं, जो कि वो अभी मुंबई में चले गए हैं, मुंबई में रहते हैं, और उनके माता पिता और कुछ घर के सदस्य यहाँ पे रहते हैं, बाकी इरफान पठान और यीशु पठान मुंबई में रहते हैं। ये वाला घर है, इरफान पठान और यीशु पठान क्रिकेटर, जो कि इंडिया टीम के लिए बहुत ही बेहतरीन पारी खेला था, तो यही उनका बंगला है। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आप लोगों को मैंने दिखाया, और ये गेट है, और इधर भी एक गेट है सामने, और ये बड़ा सा आलीशान बिल्डिंग है जहाँ पे वो लोग रहते हैं। अभी फ़िलहाल में यहाँ पे नहीं रहते हैं, मुंबई में चले गए हैं, अभी उनके घर के कुछ सदस्य यहाँ पे रहते हैं। वही बंगलो है, आप लोग देख सकते हैं, खूबसूरत सा बंगलो है, बहुत बड़ा बंगलो है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आसपास में शानदार इलाका है, और ये छोटा सा एक ग्राउंड दिख रहा है यहाँ पे, वो ऐसा यहाँ का स्थानीय लोग बताए कि यहाँ पे वो क्रिकेट खेला करते थे बचपन में, ये छोटा सा ग्राउंड है, यहाँ पे खेला करते थे। और ये उनका बंगलो है, और कुछ यहाँ पे ऐसा नज़ारा आप लोग को मिलेगा देखने के लिए। तो इरफान सर और यूसुफ सर को आप कितना बार देखे हैं? इरफान सर और यूसुफ सर यहाँ से बहुत बार, काफ़ी बार जाए, मैं बचपन से यहाँ उन्हें देखता आया हूँ, और काफ़ी टाइम उनसे मिला भी हूँ, और बातचीत भी हुई है उनसे। अभी फ़िलहाल में अभी एक महीने के अंदर में देखे हैं कभी? हाँ, एक महीने के अंदर 6-7 बार मरतबा देख चुका हूँ। 6-7 बार, यानी महीने में 6-7 बार देख चुके हैं, यानी इनका ये घर है, तो यहाँ पे वो आते रहते हैं। और अभी फ़िलहाल में वो मुंबई में रहते हैं, और इंडिया टीम के लिए वो कमेंट्री करते हैं, हाँ अभी कमेंट्री करते हैं, और उनके कितने क्लब भी है और सिखाते हैं। हाँ, और क्लब है क्रिकेट का, तो कुछ लड़कों को क्रिकेट भी सिखाते हैं, उनका बड़ा सा एकेडमी है, गुजरात के अंदर में भी है और मुंबई के अंदर में भी क्रिकेट एकेडमी है, जहाँ पे वो सिखाते हैं और इंडिया टीम के लिए कमेंट्री करते हैं। भाई को आप चैनल पे सपोर्ट करो, और जितने भी इंडियन क्रिकेटर्स है, इंडियन हीरो है, हीरोइन है, उन सबके व्लॉग इस चैनल पर आते रहेगा, और इन्हें सपोर्ट कीजिए और इनका हौसला अफजाई करिए,
ये अच्छे अच्छे वीडियो आते रहेगा हर एक चैनल पे इनकी। थैंक यू वेलकम। इरफान पठान और यूसुफ पठान को आप लोग कितना बार देखे हैं? यहाँ से हर रोज आना जाना उनका इधर से ही रहता है, इसी रोड से रहता है, इधर इसे जाते हैं, कभी मुलाकात भी होती है। और वो क्रिकेट खेलते हैं कि अभी खेलना उनका बंद हो गया? खेलना बंद है, सिर्फ वो कमेंट्री करते हैं। अच्छा, अभी वो कमेंट्री करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल में क्लिक कर दीजिएगा और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। जो कि मैंने आप लोग को दिखाया था ये बंगलो, जो कि आप लोग देख सकते हैं, इरफान पठान और यूसुफ पठान का ये बंगला है, जो कि पूर्व क्रिकेटर जो कि 2003 में स्टार्टिंग किए थे भारतीय टीम के लिए, खेलना चालू किए थे और 2012 में इनका लास्ट मैच था, उसके बाद से ये संन्यास ले लिए थे। अभी वो कमेंटेटर बन गए हैं, कमेंट्री करते हैं इंडिया टीम के लिए। तो उनका पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा डिटेल में आप लोग को बताया, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में आप अपना सुझाव दे सकते हैं कि आप लोग का क्या सुझाव है, क्या राय है, और लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। ऐसे वीडियो आप लोग के बीच आता रहेगा, नए नए लोकेशन और नए नए सेलिब्रिटी का घर या कुछ अच्छा ही चीज़ आएगा आप लोग के बीच। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन को भी ऑल में क्लिक कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए लोकेशन और नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए दीजिए विदा हमको। जय हिंद।